तो दूसरे T20 मैच में भारत के खिलाफ श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की, भारतीय गेंदबाजों को चारों कोने में छक्के लगाते हुए नजर आए। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने किसी भी भारतीय गेंदबाज को दूसरे T20 पुणे में खेला जा रहा कहीं पर नहीं बख्शा। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उमरान मलिक की बात करें जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस, तो उन्होंने भी चार ओवर में 48 रन दिए जिसमें उनका इकोनमी 12 का रहा। जिस स्पीड से उमरान गेंद बल फेंकते थे बल्लेबाज को, उससे दुगनी स्पीड से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई नजर आई। कप्तान दसुन सनाका ने मात्र 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 6 गगन चुंबी छक्के लगाए। छक्के भी इतने बड़े बड़े थे कि आपको देख कर किसी भी गेंदबाज के पसीने आ जाए। अर्शदीप मात्र 2 ओवर फेंक सके जिसमें उन्होंने 37 रन उड़ा दिए 18.50 की, जिसमें उन्होंने 5 नो बॉल भी अपने इन 12 गेंदों के अंदर डाली हैं। तो ये काफ़ी नहीं था। वहीं पर अगर यजवेंद्र चहल की अगर बात करें तो उन्होंने जरूर ठीक ठाक गेंदबाजी की, केवल 30 रन दिए 4 ओवर में, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था क्योंकि वो भारत के नंबर एक स्पिन की हैसियत से इस दूसरी T20 में खेल रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की इस धज्जिया उड़ाने की लिस्ट में असलंका भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 4 गगनचुंबी छक्के लगाए और उमरान मलिक को जो छक्के लगाए उससे देख करके उमरान मलिक के पसीने छूट गए। कुशल मेंडिस ने भी बहुत ही तूफानी पहले ही ओवर से खतरनाक गेंदबाजी की जिसमें 6 छक्के उड़ाए। अर्शदीप के पहले ओवर में ही उमरान मलिक ने कुशल मेंडिस ने जबरदस्त रन बरसाए। तो भारतीय गेंदबाजी की जमकर धुलाई हुई। पिछले T20 के मैन ऑफ द मैच शिवम माबी की भी बहुत तगड़ी धुलाई हुई, केवल 4 ओवर में 53 रन दे डाले, इकॉनमी 13 की रही। इस मार को देख करके उनको भी याद आ गया होगा कि क्रिकेट में एक्सपीरियंस काफ़ी मायने रखता है। तो इस भयंकर तूफानी बल्लेबाजी को देख करके, वो भी भारत को ही, भारत के घर में जिस प्रकार की बल्लेबाजी दिखाई है श्रीलंका ने, दूसरे T20 में 207 रन बनाए और भारतीय पारी पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। और श्रीलंका ने इस पुणे में खेले जा रहे दूसरे T20 में वापसी की है। तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अब देखना होगा तीसरे T20 में भारत किस प्रकार की बल्लेबाजी करता है, क्या वापसी कर पाएगा, भारतीय गेंदबाज क्या कर पाते हैं।